हेयर भी है फ्रीक्वेंसी एंड हेयर भी है वी रिवर्स रिवर्स पोटेंशियल जो हम अभी ग्राफ में इधर बना रहे थे, रिवर्स पोटेंशियल हम इधर ले आए, फ्रीक्वेंसी इधर ले, ठीक है। और जो पीछे सारी ऑब्जर्वेशंस की उनको इकट्ठा करके अभी यहाँ पे उन्हीं के आधार पे अभी इसको बनाते हैं, ठीक है। हाँ बेटा ये बात समझ में आ रही है। तो जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके वो इस ग्राफ पे बेस्ड होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे इससे रिलेटेड वो इस ग्राफ पर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो हमारी एक खास ऑब्जर्वेशन क्या थी कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से नीचे कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता, उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही रीच नहीं हुई तो क्या कोई फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। और फोटो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं तो उसको रोकने के लिए रिवर्स पोटेंशियल लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो मान लो किसी एक मटेरियल कोई ए प्लेट है, ठीक है, उसके लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट ये वाली, कोई मटेरियल है उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ये वाली, इससे अगर नीचे हम हैं फ्रीक्वेंसी इससे कम है तो रिवर्स वोल्टेज तो अप्लाई होगी नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं है। तो फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज लेस देन न्यू नॉट नो रिवर्स पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड। ये बात समझ में आ रही है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे कोई फोटो एमिशन नहीं होता इसलिए उसको रोकने के लिए भी वोल्टेज नहीं चाहिए होती। तो यहां से यहां तक की रेंज के लिए ये वोल्टेज जीरो ही रहती है। मगर अगर फ्रीक्वेंसी हम इससे आगे ले जाते हैं, फ्रीक्वेंसी इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, तो फोटो एमिशन होता है। उस फोटो एमिशन के अंदर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमें रिवर्स वोल्टेज लगानी पड़ती है। ये बात समझ में आ रही है? फ्रीक्वेंसी इम्प्रूव की हमने, फ्रीक्वेंसी इम्प्रूव करने से एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए और उस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए हमें रिवर्स वोल्टेज लगानी पड़ी। मीन्स अब फ्रीक्वेंसी अगर आगे जाएगी तो ये वोल्टेज भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ग्राफ कैसे जाना चाहिए? स्ट्रेट लाइन की तरह आना चाहिए। अब अगर मेटल चेंज करते हैं, कैथोड का मेटल ये ए है, कैथोड का मेटल हम डिफरेंट कर देते हैं, दूसरी प्लेट लगा देते हैं कैथोड की जगह, तो उसके हिसाब से उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, ठीक है। उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, मान लो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये वाली है न्यू नॉट डैश कुछ और है, ठीक है। तो अब यहाँ जीरो से न्यू नॉट डैश तक तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई फोटो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं, और क्योंकि कोई फोटो इलेक्ट्रॉन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे नहीं निकलता है इसलिए उसको रोकने के लिए भी रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब न्यू नॉट डैश फ्रीक्वेंसी से आगे हायर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो ही फोटो एमिशन होगा और उस फोटो एमिशन को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगी। तो इसका मतलब यहां से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये वोल्टेज भी बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब इसका बिहेवियर भी इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से ये वाली चीजें हमें मिली थी। ओके, इस फोर्थ ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ऑल न्यूमेरिकल्स विल बी बेस्ड ऑन दिस।